इंजॉय नेचर देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज हम किसी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में नहीं, एक फ्रूटिंग प्लांट के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। ये तो आप देखकर जान गए होंगे कि ये कौन सा फ्रूट है। ये किन्नू का फ्रूट है और ये सर्दी में ही पाया जाता है। जैसे जैसे सर्दी पड़ती है, इनका कलर है जो वो चेंज होने लगता है। ये फ्रूट है जो वो पकना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले ये ग्रीन कलर के होते हैं और फिर ये ऐसे ही इनका कलर चेंज हो जाता है और ये ऐसे ऑरेंज से कलर में चेंज हो जाता है इनका कलर। तो इन फ्रूट्स में जो विटामिन सी है बहुत ज़्यादा पाया जाता है और हमारी हेल्थ के लिए जो बात बहुत ही अच्छे होते हैं इनको, अगर हम सर्दी में इनको खाते हैं तो। ये जो फ्रूट है ये ऑरेंज की फैमिली से ही है और इनका टेस्ट भी जो होता है ऑरेंज जैसा ही होता है और ये ऑरेंज से थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होता है। ऑरेंज थोड़ा सा उसमें जो खट्टापन होता है ज़्यादा होता है और इस ये ज़्यादा मीठा होता है और इसकी स्किन होती है जो काफ़ी पतली होती है और जो ऑरेंज होता है उसकी स्किन थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होती है और इनकी स्किन जो होती है थोड़ी पतली होती है और इसमें जो है जूस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका जूस भी काफ़ी निकलता है इनसे जूस। तो अगर आप ये ऐसा फ्रूटिंग प्लांट लगाना चाहते हो तो इनका अब बहुत ही अच्छा टाइम है, आप इनको जे जनवरी में लगा सकते हैं। मैंने भी जे छोटा सा ही पेड़ लाकर लाया था और अब देखो जे बहुत ही बड़ा जो है एक पेड़ बन गया है। बहुत ही पुराना मेरा जे पेड़ है, आज से कोई 15 साल पहले मैंने इसको जो है ग्रो किया था, बहुत ही छोटा सा प्लांट लेकर, और अब जो बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। ये मेरे बैकयार्ड में ही लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इस पर जो फ्रूटिंग होती है आप देख सकते हैं, इस पर कितने ज़्यादा जो फ्रूट हैं वो लगे हुए हैं। ऐसे देखिए बहुत बड़ा ऐसे एक बंचेस में इस पर जो फ्रूटिंग है वो होती है, आप देख सकते हैं। जो बहुत ही बड़ा एक जो है, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, इस साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे इस पर फ्रूटिंग है जो वो गुच्छों में होती है और ये देखिए बहुत ही बड़ा एक बंच है जो ऐसे बहुत से बड़े बड़े बंच है जो इसमें फ्रूट्स के लगे हुए हैं। बहुत से फ्रूट्स हैं जो मैंने इस पेड़ से अभी हटा लिए हैं, फिर भी आप देखेंगे कि इस पर बहुत से फ्रूट्स हैं जो वो अभी भी लगे हुए हैं। जी देखिए, तो दोस्तों मैं पंजाब के अबोहर शहर से बिलोंग करती हूँ। तो ये तो आप सब जानते ही होंगे, जो अबोहर है वो किन्नू की पैदावार में पहले नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा किन्नू है जो वो अबोहर में ही पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ का तो वेदर ही कुछ ऐसा है कि ये जो फ्रूट है बहुत ही ज़्यादा जो है ग्रो होते हैं, लेकिन आप भी इनको ग्रो कर सकते हैं। मुझे इस प्लांट के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं 15 साल से इस प्लांट की केयर कर रही हूँ, तो जो एक्सपीरियंस है मैं वहीं आपको बता रही हूँ। मैंने कभी भी इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला है। हमारे यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा फार्मिंग भी की जाती है, लेकिन जो फार्मर होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा केमिकल इस पर यूज़ करते हैं। तो मैंने कभी भी इस पर कोई भी केमिकल जो है फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो ये फ्रूट है ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं, ऐसे फ्रूट्स तो आजकल मार्केट में मिलते भी नहीं हैं। तो जो
हमारी हेल्थ के लिए जो बहुत ही अच्छे हैं, तो आप भी इनको ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी केयर के बारे में हम बात करें तो मेरा जे जो पेड़ है जे ऐसे ज़मीन में ही लगा हुआ है, तो ज़मीन में लगे हुए पेड़ की जो केयर है वो बहुत ही कम करनी पड़ती है। आजकल इसकी कुछ हाइब्रिड वैराइटीज़ भी आ गई हैं, तो आप इनको एक बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन पॉट में लगे हुए प्लांट की आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। आपको उसकी वाटरिंग का भी ख्याल रखना पड़ेगा और उसमें जो वक्त वक्त पर उसमें जो फर्टिलाइज़र है वो भी देने पड़ेंगे, तो ही आप उससे अच्छे फ्रूट हैं जो वो पा सकते हैं। तो मेरा जो प्लांट है जो ज़मीन में लगा हुआ है, तो मुझे तो इसको बहुत ही कम मैं इसको वाटर देती हूँ। सर्दी में तो मैंने कभी भी इसमें जो है वाटरिंग नहीं की है, लेकिन जून जुलाई में जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब ही मैं इसमें 10-15 दिन के बाद जो है पानी है जो वो देती हूँ। और इस पेड़ के नीचे थोड़ी सी ऐसे छाया ही बनी रहती है, तो ये इसका जो पानी है वो ज़्यादा वेपोरेट भी नहीं होता है, तो मुझे इसको बहुत ही कम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके चारों साइड ऐसे जो दीवार है, तो इसको इतनी ज़्यादा इसकी जो रूट्स हैं उन पर धूप भी नहीं पड़ती है, तो इसको पानी है जो वो बहुत ही कम देना पड़ता है। ज़्यादा पानी देने से भी इसके जो जे फ्रूट्स हैं वो गिरने लग जाते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा पानी देते हैं, जैसे कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो भी इसके जो फ्रूट्स हैं वो गिरने लग जाते हैं। तो आप इसको पानी है जो वो बहुत ही कम दें। और फर्टिलाइज़र अगर आप इसको पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन मेरा तो जे ज़मीन में लगा हुआ है, तो मैं इसमें कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह भी नहीं देती हूँ। बस साल में एक बार ही देती हूँ। उसमें हम इसको जे गोबर खाद और DAP है जो वो देते हैं, और कभी कभार जब मैं कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ दूसरे पॉट्स में डालती हूँ तो वो भी थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ। तो इस पर मैंने कोई भी पेस्टिसाइड है जो वो तो कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद गर्मियों में मैं इस पर जो है पानी का जो स्प्रे है वो कर देती हूँ। इससे भी इसकी पत्तियों पर जो जमी हुई धूल मिट्टी होती है उनको निकाल देती हूँ। और कुछ इसमें कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जिसको कि हम जैसे कि शक्कर वगैरह भी बोलते हैं, उन पर जो है फ्रूटिंग नहीं होती है, वो कुछ ज़्यादा ही ग्रीन से कलर की होती हैं। मुझे अभी वो दिखाई नहीं दे रही हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो ज़्यादा फरवरी में निकलती हैं। तो ऐसी ब्रांचेस जो होती हैं उनके लीफ जो होते हैं वो भी थोड़े अलग से कलर्स के होते हैं, और तो वो ब्रांचेस होती हैं जो वो बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रीन से होती हैं, अलग से होती हैं, देखने से ही आपको पता चल जाता है कि ये ब्रांचेस है जो थोड़ी अलग सी है, तो उसको भी मैं कट करती रहती हूँ, तो वो आपके प्लांट को काफ़ी कमज़ोर कर देती हैं ऐसी ब्रांचेस। उस पर फ्रूटिंग नहीं होती है, कभी नहीं होती है। और ये भी जब एक बार इस ब्रांचेस पर ऐसे जो फ्रूटिंग जब हो हटे तो दोबारा इस पर फ्रूटिंग तो नहीं होती है, फिर नई ब्रांचेस आती हैं उन पर ही फ्रूटिंग होती है। तो जब हम इन फ्रूट को सभी को निकाल लेंगे तो फिर हम इन ब्रांचेस को कट कर देंगे जहाँ पर जे फ्रूट है जो वो लगे हुए थे, और इस पर जो नई ब्रांचेस आएंगी उन पर फिर जो अगली बार है जो वो फ्लावरिंग होगी। मार्च में इस पर जो है फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है, और फिर धीरे धीरे से वो फ्रूट बनना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। पहले जो काफ़ी ही ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जे इनका कलर चेंज होना जैसे ही सर्दी पड़नी स्टार्ट होती है तब ही होता है।
और इस प्लांट को जो धूप है उसकी भी ज़रूरत होती है। तो आप जानते ही हैं सभी जो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट होते हैं उनको धूप की तो ज़रूरत होती ही है, और आप उनको इस जगह पर ही लगाएं जहाँ पर इनको की धूप है जो वो मिलती रहे। मेरे इस प्लांट पर सर्दी में धूप नहीं पड़ती है, लेकिन गर्मी में मॉर्निंग की धूप है जो वो इसको मिलती है, तो इससे जो बहुत ही अच्छा जो है वो ग्रो हो रहा है, और बहुत सी फ्रूटिंग है जो वो हमें इससे जो है मिल रही है, और वो भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो आप भी ऐसे फ्रूटिंग प्लांट अगर लगाना चाहते हैं तो ये जनवरी का महीना है जो ये फ्रूटिंग प्लांट लगाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। कई बार इनके अगर आपको थोड़े से बड़े बड़े प्लांट भी मिल जाते हैं, अगर आप इनका बड़ा प्लांट लेकर लगाते हैं तो वो भी अच्छे से ही जो है ग्रो हो जाते हैं। तो फरवरी में हम इनसे जो ये सभी फ्रूट हैं इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, और फिर हम इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग करके जो ये ब्रांचेस होती हैं जहाँ पर फ्रूटिंग हुई होती है उनको कट करके, और इसको अच्छी तरह गुड़ाई करके और इसको फर्टिलाइज़र दे देते हैं, ताकि ये अगली फ्रूटिंग के लिए आपका प्लांट है जो वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो इस प्लांट से हमको अच्छे फ्रूट तो मिलते ही हैं, और इनके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, और हमारे जहाँ जो कि है छाया भी बनी रहती है, और बहुत से बर्ड्स हैं जो इस प्लांट्स के ऊपर आते हैं अपने नेस्ट भी बनाते हैं। अब तो बहुत सर्दी पड़ रही है तो नहीं आ रहे हैं बर्ड इस पर ज़्यादा, जो नेस्ट नहीं बना रहे हैं। गर्मियों में इस पर बहुत से स्पैरोज़ भी आती हैं, और कुछ डव वगैरह जो होती हैं वो भी इस पर अपने नेस्ट बनाती हैं, तो बहुत से बर्ड है जो इसकी छाया में भी बैठते हैं। तो मुझे भी अपने इस पेड़ से काफ़ी लगाव है बहुत ही, और मैं अपने जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको भी कई बार इनके नीचे हैं जो वो रख देती हूँ, जब बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो कुछ प्लांट है जो मैं इसके नीचे रख देती हूँ। ऐसे में जो मेरे और भी बहुत से जो यूज़ में आता है, तो आपके पास भी अगर इतनी सी जगह है तो आप भी ऐसा एक जो प्लांट है वो अपने घर में ज़रूर ही लगाएं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।